अमेठी निर्माणाधीन मकान के दीवार ढहने से युवती की हुई मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के गांव से दर्दनाक हादसे की खबर है। यहां एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से गांव में हड़कंप मच गया। इस घटना में निर्माणाधीन मकान के दीवार के मलबे में दबकर एक युवती की मौत हो गई, तो वहीं एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम को चली तेज आंधी और बारिश के कारण यह हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक मुसाफिरखाना कोतवाली के पूरब बसेरा गांव में बीती देर रात आंधी तूफान और तेज बारिश के कारण निर्माणाधीन एक मकान की दीवार ढहने से मलबे में दबकर दो सगी बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं। जानकारी होने पर परिजनों और ग्रामीणों की मदद से दोनों बहनों को मलबे से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए स्थानीय CHC ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती की हालत को गंभीर देखते हुए सुल्तानपुर जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया। यहां इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरी युवती को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद से ही मृतक युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पूरब बसेरा रविंद्रनाथ मिश्रा ने उक्त मामले की जानकारी स्थानीय लेखपाल व उप जिलाधिकारी को दे दी। क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा। किस गांव के रहने वाले? यही पूरब बसेरा गांव का निवासी हूं। ये आपके गांव में क्या घटना हुई? कल जो है शाम को 6:30 बजे जब आंधी तूफान आया, तो बच्चियां गई थी, कुछ घर का सामान रखा था मढ़ाई में, उसको ढकने के लिए पॉलीथीन से, और ढकने के बाद वापस आ रही थी तो अचानक रास्ते में ही दीवार गिर गई। और दीवार गिरने के बाद दोनों लोग को जो है तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से एक ने दम तोड़ दिया, दूसरे का लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। तो इस बाबत कोई अधिकारी या जांच करने की? अभी तक कोई अधिकारी तो नहीं आया है, लेकिन यह है कि लेखपाल को सूचना दे दी गई है और लेखपाल ने कहा है कि अभी हम जो है आ रहे हैं। गांव के प्रधान आए थे, वो देख के चले गए हैं, वो भी देख रहे हैं जो भी जैसे होगा। दीवार किस तरीके से थी? कच्ची दीवार पक्की थी और उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, लेंटर नहीं था, खुली दीवार थी, वो अचानक गिर गई। ये क्या घटना हुई है गांव में? कल शाम को जब आंधी आई थी तो हमारे गांव के लाल जी और उनके दो पुत्रियां हैं, एक का नाम प्रियंका और दूसरे का अंतिमा, ये तीनों लोग एक पक्की दीवार थी तो अपना भूसा वूसा ढकने के लिए पल्ली वल्ली डाल रहे थे। उसी बीच में हवा का दबाव बना, स्लैब पड़ा नहीं था दीवार पर, गिर गई, उसमें दो बच्चियां दब गई, लाल जी तो फिलहाल आगे निकल गए, बच गए। तो यहाँ से एम्बुलेंस द्वारा CHC मुसाफिरखाना, वहाँ से रेफर कर दिए सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में बड़ी लड़की जो थी प्रियंका वो मर गई और छोटी जो अंतिमा थी उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। क्या प्रशासन को भी सूचना दी? प्रशासन को, लेखपाल महोदय को सूचना दिया गया है और उनके द्वारा SDM और कानूनों को भी सूचित किया गया है।